बाढ़ सुरक्षा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा आदेश, बाढ़ सुरक्षा व बचाव की पूरी तैयारी रखें। राज्य में निजी नलकूप के लिए दुगना अनुदान। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पंचायत चुनाव जल्द हो सकती है, अधिसूचना जारी और पंचायत चुनाव की तिथियों का हो सकता है ऐलान। इधर बिहार के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन से मिलेगा छुटकारा। एनजीओ के तहत दिए जाएंगे मध्याह्न भोजन और रसोइयों को भी हो जाएगी छुट्टी। नमस्कार, खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको विशेष रूप से जानना जरूरी है, हम खबरों को आपके लिए छाट कर लाते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। चलिए खबरों की सिलसिले अब शुरू करते हैं। बाढ़ सुरक्षा व बचाव की पूरी तैयारी रखें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है। आपको बता दें कि कल पटना के विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जायजा लिया कि आखिर बाढ़ की स्थिति क्या है, पटना को कैसे बचाया जा सकता है, बाढ़ किस तरह से बहाव का तेज है, कहां पर धारा तेज है, कहां पर क्या बचाव कार्य होनी चाहिए, तमाम चीजों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पदाधिकारियों के साथ गंगा घाटों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और आसपास के इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर और विभिन्न घाटों का जायजा लिया है। पटना में गंगा अपने रिकॉर्ड स्तर से मात्र 60 सेंटीमीटर नीचे है। इधर आपको बता दें कि गंगा किनारे 12 जिलों में तैयारी रखने का भी निर्देश दिया गया है। इधर भागलपुर के 50 से अधिक गांवों में घुसा है बाढ़ का पानी। इधर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है बिहार, हर तरफ पानी ही पानी और भागलपुर के 50 से अधिक ऐसे गांव है जहां बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। कोरोना मृतकों की संख्या 15 जिलों में 500 बढ़ी। कोरोना से मृत्यु होने वालों की संख्या 15 जिलों में 500 बढ़ गई है, बढ़ी है। राज्य में निजी नलकूप के लिए दोगुना अनुदान देने की बात सरकार कर रही है। इधर हम आपको इसमें बता दें कि हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखी है। बिहार सरकार ने सैलो नलकूप के लिए अधिकतम 15 की जगह अब 35,000 मिलेंगे, यानी कि राशि में बढ़ोतरी की गई है। इधर हमको बता दें कि सैलो नलकूप के लिए नलकूप लगाने के लिए जहां 15,000 मिलते थे, अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है, अब किसानों को 35,000 रुपया मिलेंगे। मध्यम गहराई के नलकूपों पर 35,000 की जगह मिलेगा 70,000 रुपया, और जहां 35,000 रुपया मिलते थे वहां गहरे हल्के मध्यम गहराई करवाने के लिए अब 35,000 के बदले 70,000 रुपये मिलेंगे। मोटर खरीदने के लिए भी लाभुक को मिलेंगे 10,000 रुपया, और जो अगर किसान मोटर खरीदना चाहते हैं उन्हें भी अनुदान मिलेगा। कितने का? यानी कि 10,000 रुपये का मिलेगा। 21,000 नए निजी नलकूप लगाए जाने की लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। इस प्रकार से नलकूप योजना के में अनुदान की राशि दोगुनी होगी। पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव के बाद लघु जल संसाधन विभाग ने यह नया फैसला किया है, नया ऐलान किया है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगी। हर राशि को दुगना कर दिया गया है। जहां पर 15,000 मिलते थे तो 35,000 मिलेंगे, और जहां 35,000 मिलते थे वहां अब 50,000 रुपया, 35 के जगह पर 70,000 रुपया मिलेंगे, और मोटर खरीदने के लिए भी 10,000 रुपया मिलेंगे। 21,000 नए निजी नलकूप लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इधर राज्य में अब तक 9,646 संक्रमितों की मौत हुई है बिहार में, यानी कि कोरोना मृतकों की संख्या 15 जिलों में 500 बढ़ी है। इधर बड़ी खबर बीएड की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कि बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल होगी, यानी सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 13 अगस्त को होगी। इस परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंटों को मगध संवाद की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप सफल होइए, सफलता का परचम लहरा रहिए। इधर ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाएगा, बढ़ाए उद्योग जगत। प्रधानमंत्री ने बोले कि इधर ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाए उद्योग जगत के लोग आगे बढ़ाए तब इंडिया आगे बढ़ेगा। अब आगे की खबरों पर चर्चा कर लेते हैं, आगे की कई खबरें जो आपको बहुत जानना जरूरी है। इधर कल जो भारत में सदन में हुआ वह अमर्यादित ही कर सकते हैं। सदन की पवित्रता पर प्रहार की पीड़ा हुई है, वेंकैया नायडू का कहना है, यानी कि एम वेंकैया नायडू सभापति राज्यसभा का यह कहना है कि जिस तरह कल सदन की पवित्रता
भंग की गई उसको मैं बेहद दुखी और आहत हूँ। बिल्कुल सदन का कार्रवाई हर लोग देखते हैं, भारत का हर व्यक्ति देखता है, व्यक्तियों तक पहुँचता है और हमारे नेतृत्वकर्ता ही सदन में इस तरह से अगर व्यवहार करे तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ है उनका आगे कहना है कि कुछ सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, कुछ मेज पर बैठ गए, मेरे पास अपनी पीड़ा जाहिर करने और घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। जब देखिए सदन के सभापति ही, राज्यसभा के सभापति ही ऐसी बातें जाहिर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही वह जो घटना घटी बेहद दुखद घटना कह सकते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है, कह सकते हैं कि ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर संसद ने मुहर लगा दी है और इधर आरक्षण की 50% सीमा हटाने पर विचार हो रहा है, केंद्र का यह कहना है। इधर किन्नौर में बस कारों पर गिरा पहाड़, इधर किन्नौर में जो है बस और कारों पर पहाड़ गिरा है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में पहाड़ दरकने से 60 से अधिक लोग मलबे में दबे हैं, राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। शाह ने दिए कई निर्देश, अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कई निर्देश भी जारी किए गए। आपको बता दें इसको लेकर के 13 लोग बचा लिए गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 गाड़ियां राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर चपेट में आ गई है। किन्नौर में पिछले महीने भी हुआ था भूस्खलन। इधर पंचायतों को मिलेंगे, देखिए बिहार पंचायत चुनाव में इस समय वार्डो और मुखिया की चहलकदमी बढ़ गई है, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है और जैसे जैसे सरगर्मी आगे बढ़ती जा रही है तो सरकार की ओर से भी कई योजनाओं को आगे लाया जा रहा है। अब तो जितनी योजनाएं अगर लाया जा रहा है उस हिसाब से अब तो वार्ड और मुखिया का चुनाव लड़ने वाले लोगों की उम्मीदवारी बढ़ जाएगी। देखिए पंचायतों में मिलेंगे 3900 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 करोड़ नहीं बल्कि 3900 करोड़ पंचायतों को मिलेंगे। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायतों को 21-22 में यानी कि कह सकते कि जो नए चुनाव होंगे और जो प्रतिनिधि आएंगे उनको मिलेगा, पंचायतों को 3900 करोड़ मिलेंगे। इसका उपयोग विकास कार्यों में होगा। छठे राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का 70% हिस्सा पंचायतों को मिलेगा। अब समझ लीजिए कि 3900 करोड़ रुपया अगर जिस पंचायत को मिला, सभी पंचायत को मिलना है तो निश्चित तो पंचायतों का विकास होगा और उसमें अहम भूमिका वार्ड सदस्यों का होगा। जहाँ जिस वार्ड में काम होंगे, अगर मान लीजिए कि किसी पंचायत में 10 वार्ड है, 20 वार्ड है, 20 वार्ड भी मान के चलते हैं तो अब समझ लीजिए कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उन्हें मिलेगा। 1 करोड़ अगर वार्ड में अगर 1 करोड़ रुपए का काम होता है तो हर वार्ड बिहार का चकाचक रहेगा। इधर युवाओं की मानसिक परेशानी बढ़ी, कोरोना काल में ज्यादातर युवाओं के मन मस्तिष्क पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ा। बिल्कुल लोग घरों में रह रहे हैं, परीक्षा नहीं हो पा रही है, पढ़ने लोग नहीं जा पा रहे हैं, घर का काम के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, धंधा रोजगार न चल रहे, तो खासकर युवा पीढ़ी जो है मानसिक रूप से परेशानी उनकी बड़ी है, टेंशन में है। एनपीएस में न्यूनतम लाभ तय की गई है, एनपीएस में निवेश अब और भी ज्यादा आकर्षित होने जा रहा है। इधर किशोरी का बोधगया बालिका गृह में यौन शोषण का आरोप है, यौन शोषण की बात इधर गलत भी बताई जा रही है या गया की खबर निकलकर सामने आई है। तत्काल सुनवाई को पीठ में सीधे उल्लेख अब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने का पीठ के समक्ष सीधा आग्रह करने में परिपाटी को बंद कर दिया है। इसके बजाय वकीलों से कहा है कि वे संबंधित अधिकारी के समक्ष अपने मामलों का उल्लेख करें। यह एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, बिहार की खबर है कि विकास कार्यों के लिए पंचायतों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, पंचायतों को 3900 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब चकाचक होगा, 8066 ग्राम पंचायतें हैं बिहार में, 8066 और जिसमें 534 पंचायत समितियां हैं सूबे में, 534, 38 जिला परिषद हैं कुल। अब समझ सकते हैं कि बिहार में पंचायतों की संख्या 8066 है और 534 प्रखंड हैं, पंचायत समितियों की संख्या है। इधर 15% राशि जिला परिषद व पंचायत समिति को मिलेंगे, इसके 15% हिस्सा जो है पंचायत समिति और जिला परिषद को भी मिलेंगे। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग से भी मिलेंगे 3709 करोड़ रुपए। अब तो यह
बम्पर पैसा मिलने जा रहा है पंचायतों का, और फिर भी अगर पंचायतों का विकास न हो तो यह कमी हम में और आप में है। तो निश्चित तौर पर जो प्रतिनिधि बनते हैं उनकी ही जिम्मेवारी नहीं बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेवारी होती है। इस सरकार जब इतनी पैसा दे रही है तो बिल्कुल विकास हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब पैसे लेन देन करने की भी प्रक्रिया अलग हो गई है। यह प्रक्रिया बिल्कुल सक्षम होगा, जहां से आप ले रहे हैं उसका बारकोड बहुत तरह से उसमें बदलाव किए गए हैं। इधर सीएम सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर से लिया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा। बाढ़ की स्थिति बिहार में लगातार भयावह होती जा रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा जायजा ले रहे हैं। जहां गंगा घाटों का उन्होंने जायजा लिया, वहीं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, हवाई हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्होंने बाढ़ क्षेत्रों का भी दौरा किया। एक तिहाई कनीय अभियंता से चल रहा है काम, या ग्रामीण कार्य विभाग की है कि 1000 एक तिहाई कनीय अभियंता से ही काम चल रहा है। जातीय जनगणना नहीं हुई तो जनगणना का बहिष्कार होगा। इधर घने जंगल और पहाड़ी नालों में सुरक्षा बलों की चुनौतियां हैं, और 276 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश की परीक्षा। मतदान कर्मियों को मिलेगा इस बार दो तरीकों से मतदान करने का अनुभव, यानी कि इस बार जो है काफी बेहतर होने वाला है और काफी अलग होने वाला है। इधर दूसरी खबर पर हम अगर चर्चा कर ले तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी हो सकता है। आयोग ने सरकार को भेजा है नया प्रस्ताव। जो प्रस्ताव वायरल हो गया था, अब उसके बाद में दूसरा प्रस्ताव बनाया गया है। सितंबर से शुरू हो सकती है मतदान की प्रक्रिया, सितंबर महीने से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हम कह सकते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इधर बिहार के शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिसको लेकर शिक्षक हमेशा मांग करते आए कि गैर शैक्षणिक कामों से शिक्षकों को अलग रखा जाए। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब बिहार के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन से राहत मिलेगी। 3.25 लाख शिक्षकों को राहत, अब अक्षय पात्र से मिलेगा मध्याह्न भोजन। अब शिक्षकों को स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, जहां शिक्षा सदन यानी विद्यालय को पठन पाठन के लिए कहा जाता था, फिर उसे नाम कह सकते हैं कि उसे पाकशाला के रूप में, पाठशाला नहीं बल्कि पाकशाला के रूप में दिखने लगा था, लेकिन अब अक्षय पात्र से बच्चों को खाना मिल पाएगा। यह शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि जो उनको छुटकारा मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने दिया धरना और अपनी मांगे रखी है। नेट दिसंबर 2020 और जून 21 की परीक्षा अक्टूबर में होगी। इधर विक्रम और पुनपुन में खाली रह जाएंगे उर्दू के 14 पद, और विभाग को बगैर सूचना के हाजिर रहने वाले शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया गया है, और 500 से अधिक 500 फर्जी शिक्षकों पर FIR की तैयारी नवादा जिले में हो रही है। कई नियोजित शिक्षकों पर फर्जीवाड़े के मामले को लेकर FIR दर्ज भी धड़ाधड़ स्थिति में होना शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या और इसको लेकर खबर निकल कर सामने आती है। हमसे जुड़े रहिए, तमाम चीजों पर हम नजर बनाए हुए रखे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।